हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आती है। इसको मैंने सॉल्व करके दिखा, मैं आपको अभी इसकी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन रिटेन एज, इसको रिटेन कैसे करते हैं। इक्वेशन तो आपने पढ़ी होंगी, तो सिंपल देखो A11x1 जो इसका x1 का कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ही तो कहलाता है। ये A11 कोफिशिएंट है हमारा, ये A12 देखो A11 A12 जो रो की तरह होता है ना, रो A11 A12 A13 डेट एस A1n, ये हमारी रो होती है। इसमें हमारा जो वेरिएबल है क्या है, X1 X2 X3 और डेट एस कहाँ तक, Xn तक। ये हमारा V1 एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। V हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। सिंपल ये क्या होगा, ये दूसरी रो, मतलब ये दूसरी रो शुरू हो गई हमारी A21, क्लियर है ना। ऐसे ही डेड डेस कहाँ तक आ जाएगी, An1, X1, X2, क्लियर है ना, ANN से N तक। ये सिंपल हमारा रिटेनेंस होता है। जो ये कोफिशेंट होते हैं A11, A12, ये क्या होती है, एक मैट्रिक्स होती है। इसको हम A मैट्रिक्स के अगर थ्रू लिख लें तो कैसे लिखेंगे, A11, अगला वाला A12, A13, डेड डेड डेस कहाँ तक, A1n, अगला वाला क्या हो जाएगा, A21, A22, A23 कितना, A2n, ठीक है ना। ऐसे ही आगे क्या हो जाएगा, An, A23 AM हो जाएगा, यहाँ पर AM1 AM2 AM3 डेट डेट डेस्ट क्या हो जाएगा, AM(n), क्लियर है ना। ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी n(n), ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के तौर पर होगी। जो X1 X2 X3 हैं, ये हमारा x के दर्शाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, AX = B। अब फॉर्मूला याद रखना, AX में मल्टीप्लाई कर दो = B। तो A तो हमारा क्या हो गया, सिंपली एक मैट्रिक्स हो गई जो मैंने आपको दिखा दी है। दूसरी चीज x क्या रहेगा हमारा, X1 X2 और जो भी है हमारा X3, इसे हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स के थ्रू। और B को हमारा जो ये वाला है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, बी में प्रोवाइड करा देंगे, B1, B2, B3, B4। इसमें हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसके कितने सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो कब कब कंसिस्टेंट होगी, कब कब इनकंसिस्टेंट होगी, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ समझा देता हूँ। आपको ये नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, अब समझ लीजिए। अब एक बार इसको पॉज कीजिए वीडियो को और आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, एक इक्वेशन लिख रखी है मैंने, जो ए है, जो मैंने कोफिशिएंट है ये जो ले रखे हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिटरमिनेंट में इसको मैट्रिक्स बना लेंगे। जो X1 X2 है, ये जो लिख रखे हैं मैंने X2 X3, ये मैंने किसमें, कॉलम मैट्रिक्स में लिख लिए हैं। B जो हमारा क्या है, इसको भी मैंने कॉलम मैट्रिक्स में लिख लिया है, क्लियर है ना। मैं आगे बताता हूँ कंसिस्टेंट कब होगी और नॉन कंसिस्टेंट कब होगी। चलिए पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस। पहले देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होती है वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस होती है। जो नॉन होमोजीनियस होती है वो ज़्यादा कठिन होती है, हल्की सी, उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं पहले आपको नॉन होमोजीनियस बता देता हूँ। जो नॉन होमोजीनियस होती है, देखो उसमें क्या होता है, बी एक एक्स्ट्रा होता है, नॉन होमोजीनियस है, बी एक्स्ट्रा है। तो AX = B जो मैंने पिछली बार आपको लिखा था वो नॉन होमोजीनियस का था, ठीक है ना। इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, क्या निकालना है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको एक्स को तो मल्टीप्लाई रहने देंगे, तो क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में क्या कर देंगे, इस टू कर देंगे बी का, जो बी हमें दे रखी, जैसे कि हमें कोई ये दे रखा था A1x प्लस B1y प्लस C1 जो भी है जेड दे दिया आपको = D, ऐसे दे रखा है ना। तो A1 B1 C1 ये ले लेंगे और D1 ये हो जाएगा हमारा सिंपल, A2 B2 और ये क्या लगा देंगे, जो ये सेमी कॉलम लगाए ना इस टू हम लगा देंगे सभी में। इसका क्या करेंगे, इसे बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। और ये ए जो है हमारी, ए जो क्या मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, क्लियर है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं, सिंपली कुछ नहीं करते, जो दे रखा होता है उनके इनके कोफिशिएंट को लिख लेंगे और लास्ट में ये जो वैल्यू दे रखी होगी उसको भी लिख लेंगे। जैसे कभी कभी आपको दिया होता है ना 2x² + 3y + 5 = कुछ भी दे दिया जाए,
जीरो वगैरह, जीरो देंगे तो ये होमोजीनियस हो जाएगी, यहाँ कुछ दे रखा होता है 5, 6, 7, क्लियर है ना। तो ये सब लिख लेंगे, D1, D2, D2 लिख लेंगे, इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसे बोलेंगे हम आर्गुमेंट मैट्रिक्स। टेंशन ना ले, क्वेश्चन भी समझाऊंगा, ये क्या होगी आर्गुमेंट मैट्रिक्स, इस पर ज्यादातर फोकस रखें। आप ध्यान से देखें, थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी अगर एक बार समझ में आ गया तो। सिंपल, हम इसको आर्गुमेंट में लिख लेंगे। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपली इस पे लिखा है कि कब कंसिस्टेंट होगी कब इनकंसिस्टेंट होगी, क्लियर है ना। देखो ए एक्स इक्वल टू बी, मैं बता चुका हूँ ए एक्स इक्वल टू बी हमारी नॉन होमोजीनियस है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, ये जो देखो मैंने आर, आर मतलब रैंक, क्या लिया मैंने रैंक, अगर मैंने रैंक निकाली ए इज टू बी की, किसकी, आर्गुमेंट मैट्रिक्स की, A to B कौन सी मैट्रिक्स है ये, आर्गुमेंट मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। अगर मैं रैंक निकालूं आर्गुमेंट मैट्रिक्स की और रैंक निकालूं मैं सिर्फ A मैट्रिक्स की, आर्गुमेंट मैट्रिक्स ये हो गई और ये A मैट्रिक्स हो गई, तो दोनों की अलग अलग मैंने अगर मैट्रिक्स निकाली सिंपली तो बराबर आ जाए, ये मैट्रिक्स और इसकी रैंक और इसकी रैंक दोनों सेम आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या बोल देंगे, सिस्टम कंसिस्टेंट है। दूसरी चीज, अगर मैं इस दोनों की रैंक बराबर ना हो, क्या इक्वल ना हो, तो क्या बोल देंगे इसे, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, और यहीं पर आप क्या कह दोगे, नो सॉल्यूशन, क्लियर है ना। दोनों की रैंक सेम ना आए, मतलब इसकी रैंक 2 आ जाए और इसकी 3, तो सेम नहीं है ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, नो सॉल्यूशन। अब देखो अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है यानी दोनों की रैंक सेम है तो हम क्या चेक करेंगे, रैंक ए, जो रैंक ए है हमारी, ए रैंक है मतलब रैंक, ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन है। जैसे अगर मेरी क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स थी, किसकी थी, 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आ जाए, लेस देन आ जाए, यानी 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, मतलब अगर सेम 2 आ जाए तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ये क्या हो जाएगा, लेस देन रही, कम रही, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर सेम रही, अगर 3 रैंक है हमारी और 3 उसका क्या है, ऑर्डर है, तो हमारा क्या होगा, इसे बोल देंगे हम यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर है ना। सिंपल बात ये हुई भैया कि इसका जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स निकालेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे, सॉरी इसकी रैंक और ए की रैंक, दोनों की रैंक समान है, सेम है, तो एक सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, सेम नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम ये चेक करेंगे रैंक जो है वो ऑर्डर के बराबर थी या फिर कम थी, अगर कम है तो हम सिंपल सिंपल बोल देंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर सेम थी तो बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन है, क्लियर है ना। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक बार और इसे देख लें, पहले लिख लें और फिर आराम से समझ लें। दोबारा समझा देता हूँ, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में जो दे रखी है AX इक्वल टू बी, इसको मैं क्या करूँगा, आर्गुमेंट मैट्रिक्स में बदल दूंगा, आर्गुमेंट मैट्रिक्स में कुछ नहीं, जो बाहर B लिखा था उसको मैं अंदर S2 करके लिख दूंगा, इसका क्या निकाल लूंगा मैं, इसे आर्गुमेंट मैट्रिक्स बोल देंगे और इसकी हम रैंक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसकी भी रैंक निकालेंगे और इसकी भी रैंक निकालेंगे, दोनों की रैंक निकालेंगे, अगर दोनों की रैंक सेम आई तो क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, अगर सेम नहीं आई तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और आप सिंपल आप सीधे लिख दोगे नो सॉल्यूशन, नीचे दे रखा होगा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, ऐसे करके दे रखा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर दे रखा होगा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ऑप्शन दे रखे होंगे आपको। दूसरी चीज, अगर कंसिस्टेंट है तो आप क्या चेक करोगे, जो रैंक ए है हमारी, ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो वेरिएबल के बराबर है या नहीं है, अगर बराबर है तो क्या बोल देंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, अगर बराबर नहीं है तो आप क्या बोलोगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्लियर है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल क्या है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, हमें इस इक्वेशन की टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी करनी है। पहली चीज, ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ये है, अगर होमोजीनियस होती तो ये 0-0 होता, वो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अलग से समझाऊंगा, पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। क्या होगा, इसका क्या कर लेते हैं हम, आर्गुमेंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम, आर्गुमेंट मैट्रिक्स, सिंपल इसमें ए मैट्रिक्स तो ये हो जाएगी और सबको जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगी, चारों को, तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, क्लियर है ना। तो पहले क्या कर देता हूँ मैं, आर्गुमेंट मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ, यही ए, देखो 2-4, 5, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये अलग से लिख लेता हूँ 10, 2-11, 10 और ये 36,
फोर माइनस वन बाई है ना, तो यहाँ वन मान लेंगे, और फाइव ये हो जाएगा माइनस सिक्स, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, क्या बोल देंगे इसको, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, क्लियर है ना। ये इतनी भी इस तक हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, और पूरी की पूरी कंप्लीट क्या है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स है, क्लियर। अब क्या करेंगे हम इसको, इसकी रैंक फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे। अब रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो कुछ ना कुछ जीरो होने के लिए कुछ करेंगे। तो क्या करें, रो टू में रो वन को माइनस कर दो, अगर मैं रो टू में रो वन माइनस कर देता हूँ तो देखो टू जीरो हो जाएगा ये वाली वैल्यू, कि इसमें भी कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो आएगी, इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो रो टू में तो रो वन कर दो, और उसके बाद में क्या कर दो, रो थ्री में, रो थ्री में आप कर दो माइनस कर दो टू आर वन को, क्लियर है ना, टू आर वन को, टू टू या फोर, ये भी जीरो हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, फिर हमें जीरो बनाने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्लियर है ना। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं हम, स्टार्ट करो, हो जाएगा आपका आर टू में, तो पहला तो सेम रहेगी ये, तो टू माइनस फोर फाइव और टेन। अब आर टू में क्या करना है, आर वन को माइनस, तो माइनस टू में से टू गया जीरो, फोर यहाँ माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, कितना बचेगा माइनस का सेवन, इधर माइनस हो गया तो कितना बचा फाइव, और इधर माइनस किया तो कितना बचेगा ट्वेंटी सिक्स, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, आर थ्री, आर थ्री रो थ्री में क्या करना है, टू मल्टीप्लाई करके आर वन में, तो टू टू जा फोर, फोर में से फोर गए जीरो, कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट हो जाएगा, माइनस ही करना है तो माइनस का एट, और माइनस देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस का प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का सेवन, क्लियर है ना। अब आगे क्या करेंगे, टू है मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा फाइव टू जा टेन, टेन में फाइव किया तो कितना होगा यहाँ माइनस का फाइव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ट्वेंटी, ट्वेंटी में से सिक्स गए तो कितना बचेगा, माइनस कर रहे हैं तो ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी सिक्स, क्लियर। ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, सिंपल अब तो आपको दिख ही रहा है, अब क्या कर देंगे, देखो रो टू में से रो थ्री में रो टू को माइनस कर दें, प्लस कर दें, सॉरी क्या कर दें, रो थ्री में रो टू को प्लस कर देते हैं, तो सिंपल क्या हो जाएगा आर थ्री प्लस आर टू, सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो सेवन सेवन ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो मतलब क्या हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, क्लियर है ना। पर हमने कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, आर थ्री प्लस आर टू का, क्लियर है ना। तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। अब एक चीज देखिए, ये हमारी यहां तक क्या थी, हमारी क्या थी, ये ए मैट्रिक्स थी, टोटल क्या है, ये आर्गुमेंट मैट्रिक्स है, क्लियर है ना। तो पहले हम क्या देखते हैं, एक्स बी करेंगे और देखेंगे इसका और इसका मैट्रिक्स। पहली चीज ये है, आप दोनों को एक साथ सॉल्व कर लोगे, इसमें ऐसा नहीं कि अलग से आप ए को फाइंड करते, ए को फाइंड करो, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी ए है ही है ना। अगर ये जीरो हो गए तीनों की तीनों, और ये जीरो नहीं होती, ये तीनों जीरो हो जाते, अगर ये जीरो नहीं होता तो सिंपल क्या था, हमारी रो जो है नॉट इक्वल टू होती, तो सिंपल हम क्या कहते थे, नो सॉल्यूशन। लेकिन क्या हुआ, ये तीनों ही चारों ही जीरो हो गए, सिंपल क्या हो गया, चारों ही जीरो हो गए, तो हमारी जो रैंक है वो कितनी हो गई, टू रह गई, टू रह गई ना, जो हमारी रैंक है वो कितनी रह गई, टू। आप चेक भी कर सकते हो, रैंक टू रह गई, थ्री तो नहीं रही। मैं रैंक में के कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं, इसलिए आप पहले रैंक पढ़ लें अगर रैंक नहीं आती, क्योंकि इसमें रैंक का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब आपको रैंक के ही थ्रू ये सॉल्व करना है। तो रैंक हमारी क्या गई, टू। पहली चीज, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स दोनों बराबर है, दोनों की रैंक हमारी सेम है, तो ये क्या, सिस्टम कंसिस्टेंट है। पहली चीज, सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या लिख दोगे आप, सिस्टम कंसिस्टेंट। अब चेक करेंगे इसमें कि क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नॉन यूनिक सॉल्यूशन है, इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिक
सॉल्यूशन। क्लियर है ना। अब इसका रूल क्या था, तो जो रैंक ए है वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होनी चाहिए। हमारी रैंक ए, रैंक ए हमारी कितनी है, बस यही वाली तो है रैंक ए। ये कितनी थी, 3x3 की, यही तो मैट्रिक्स थी। लेकिन हमारी रैंक कितनी है, ये 2। तो क्या है, लेस देन है, रैंक ए जो है वो लेस देन है वेरिएबल से, वेरिएबल से लेस देन है। तो मतलब क्या होगा, हम इधर जाएंगे तो हमारा क्या लिख, किस पे आप क्लिक कर दोगे, नॉन यूनिक सॉल्यूशन। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा हो उस पर टिक कर देना, या फिर नॉन यूनिक सॉल्यूशन दे रखा हो तो आप उस पर टिक कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में होमोजीनियस की भी आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना।